फाइनली मेरा भरता बन चुका है, देख सकते हो। यहाँ तेल डाल दी हूँ, अब मिर्ची तल के निकाल लेते हैं। एकदम गर्मा गर्म है और देख सकते हो कुछ इस तरह का दिखता है। हाय दोस्तों, जय जोहार, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ बिल्कुल ही बढ़िया होंगे। सो दोस्तों, गुड इवनिंग। अभी शाम का टाइम है और हमारे घर पे बन रहा है कुछ स्पेशल, इसलिए दोस्तों मैंने सोचा कि अभी ब्लॉग स्टार्ट कर दूं। और कुछ अच्छा सा बन रहा है मेरे घर पे, इसलिए मैं छोटा सा स्मॉल सा ब्लॉग बना देती हूँ। आप लोग देख लीजिएगा कि क्या बन रहा है मेरे घर पे, जो कि जिसको बोलते हैं हम गाकड़ और दाल। बट मैं दाल नहीं खाती हूँ, मुझे अच्छा नहीं लगता उसके साथ, इसलिए मेरे लिए बना रही मैं बैंगन का भरता। चलिए मैं दिखाती हूँ कि किस तरह से बना रही मैं बैंगन का भरता। ये गाकड़ जो है पूजा पाठ में भी लगता है। दोस्तों चलिए अपन बैंगन का भरता बना लेते हैं अपने लिए और सबके लिए। बन रहा है दाल और गाकड़, तो अपने लिए बनाएंगे बैंगन का भरता। ठीक है दोस्तों, चलिए बना। तो दोस्तों ये देखिए, ये रखे हुए हैं चार बैंगन, जिनको मैंने आग में राख होती है उसमें इनको अच्छे से पका लिया है। तो थोड़ा जल गए हैं ये देख सकते हो, इधर साइड थोड़ा नहीं, बहुत ज़्यादा जल गया ये, और ये भी एक एक साइड सारे जल गए हैं ये देख सकते। ये दो नहीं जले हैं, बाकी ये दो जल गए हैं। इनकी ब्लैक ब्लैक परत हटा देते हैं, ऊपर का पूरा हटा देते हैं एंड उसके बाद बनाएंगे अपने भरता, जिसमें नमक मिर्ची, ओनली नमक मिर्ची डालूंगी इसमें। तो चलिए फटाफट से इनको छील लेते हैं, क्योंकि मेरे फ़ोन का जो स्टोरेज है वो बिल्कुल भर चुका है, मतलब थोड़ा बहुत ही अभी इसमें रिकॉर्डिंग होगा इसलिए दोस्तों। तो चलिए इनको फटाफट से छील लेते हैं। छिलका यहाँ पर फेंक दी हूँ और यहाँ पर है बैगन, इसमें डालेंगे नमक और ये मिर्ची, इसमें डालेंगे मिर्ची और नमक। दोस्तों ये इसमें भरता बना रही मैं, तो इसमें डालेंगे थोड़ा सा मिर्ची, इतना मिर्ची डालेंगे दोस्तों, बनाएंगे फिर भरता बनाएंगे बेटा। फिर इसमें से थोड़ा नमक ले लेते हैं, इतना ही नमक डालूंगी मैं। तो दोस्तों ये डाल दिए, तो इसको पूरा मिला लेते हैं अब। तो दोस्तों फाइनली मेरा भरता बन चुका है, देख सकते हो, है ना बच्चा, कैसा लगा? अच्छी लग रही। तू खाएगा भरता? और क्या खाएगा? अच्छी नहीं। गाकड़? गाकड़ नहीं खाऊंगा। क्यों, अच्छा नहीं लगता? नहीं। अच्छे से बात करो, ऐसे उछट उछट के नहीं बोलते। सो दोस्तों ये अपना बैंगन का भरता बन चुका है। तो गाइस अंगूर भी खा लीजिए, यहाँ तेल डाल दी हूँ, अब मिर्ची तल के निकाल लेते हैं। दाल बन के हो चुका है रेडी, और यहाँ देख सकते हो यहाँ आग जलाई दी है भाभी ने, यहाँ पे कंडा का आग जलाई हुई है ताकि यहाँ अंगार हो जाए और इसमें हम गाकड़ सेकेंगे। और यहाँ देख सकते हो भाभी अभी गूंद रही है आटा गाकड़ के लिए, इसको अच्छे से गूंदना पड़ता है, देखिए कितने अच्छे से गूंद रहे हैं भाभी है जो कि गाकड़ के लिए आटा गूंद रही हैं। और यहाँ देख सकते हो फाइनली हो ही चुका है आटा गूंद के, और ये देखिए यहाँ पर आधा बना के और भाभी सेकने के लिए लेके चली गई, और अभी मम्मी बना रही है गाकड़। और देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर भाभी सेक रही है गाकड़, देखिए कैसे पलटा पलटा के सेका जाता है, अच्छे से सेकना पड़ता है दोस्तों, नहीं तो अंदर का कच्चा रह जाता है। यहाँ पर अपने गाकड़ सेक रहे हैं बहुत ही अच्छे तरीके से।
थैंक यू। सो दोस्तों यहाँ देख सकते हो फाइनली अपना काकड़ रेडी हो चुका है बन के, और यहाँ पर गोबर मिला के भाभी ने रख दिया। तो दोस्तों देखिए ये है गाकड़ और ये है भरता, खा लीजिए आप सब भी। तो दोस्तों चलिए खा लेते हैं अपने गाकड़। देख सकते हो ये गाकड़ है गेहूं के आटे का, इसमें नमक है बस वो क्या। और दोस्तों इसको कंडे के ढेर में पकाया जाता है, जो कि उसका अंगार होता है कंडे का, गोबर के कंडे का, उसमें पकाया जाता है इसको, और खाने में बहुत ही टेस्टी होता है। सो चलिए दोस्तों सब दाल में खा रहे हैं, अपन खाएंगे भरते में। सो चलिए फटाफट से खा ले। तो दोस्तों चलिए अब सब खा लीजिए मेरे साथ गाकड़। ये देख सकते हो गाकड़ है ये, और ये है अपना बैंगन का भरता। तो चलिए दोस्तों खाते हैं, मैं इसके अंदर तोड़ के दिखाती हूँ। एकदम गर्मा गर्म है और देख सकते हो कुछ इस तरह का दिखता है, और बहुत ही टेस्टी होता है। इसको ऐसे भी खा सकते हैं और कुछ में भी खा सकते हैं, बहुत ही टेस्टी लगता है। तो दोस्तों चलिए फटाफट से खा लेते हैं भाषणबाजी ना करते हुए। बहुत ही अच्छा लग रहा है मतलब इसका टेस्ट। सो फाइनली दोस्तों हमारा खाना पीना हो गया है। कौन कौन खाता है भरता और गाकड़ दाल बाटी जो भी है, तो कमेंट करके जरूर बताना। एंड गाइस आई होप आज का वीडियो मेरा पसंद आया होगा, एंड पसंद आया होगा वीडियो तो लाइक शेयर कमेंट करना, और मेरे चैनल में नए आए होंगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। एंड दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा जय जोहार दोस्तों।